बचपन से सफेद फूल की एक खाल बनाकर सहन में रख देते थे। क्यों ना अपनी प्यारी प्यारी दोस्तों के लिए एक अच्छी सी ईद स्टाइलिंग वीडियो, ईद इंस्पिरेशन वीडियो तो बनानी चाहिए। तो आज हम शुरू करेंगे अच्छी सी ईद इंस्पिरेशन वीडियो, ईद स्टाइलिंग वीडियो कि आपको किस तरह से ईद में मेकअप करना चाहिए, किस तरह का ड्रेस आपको वेयरअप करना चाहिए, वो सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टे ट्यून, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें जल्दी से, ठीक है? और फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये है मेरा ड्रेस, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस है और इसकी एम्ब्रॉयडरी और कढ़ाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी है। इस तरह के ड्रेसेस आप आराम से ये वेयर कर सकते हैं। इनकी स्लीव्स भी बिल्कुल सिंपल सिंपल सी हो, आगे अच्छी सी कढ़ाई हो। ये पहन के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ईद नहीं है, कि आपको पहन के फील आएगा कि हाँ यार ईद है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस ड्रेस के साथ मैं कौन सी ज्वेलरी मैचअप करने वाली हूँ, ठीक है? फिर फ्रेंड्स, ये है मेरा ड्रेस और ये है मेरे झुमके, जो बहुत खूबसूरत लगेंगे इस ड्रेस के साथ। मैंने एक कंट्रास्ट बना के इसको मैचअप किया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत झुमके आप लोग देख सकते हैं, छोटी 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 झुमकियाँ हैं। तो ये झुमके मुझे बहुत पसंद है। जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मेरी पहली नज़र पड़ी थी इस पर और मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे थे, मैंने बस ये ले लिए। ये मैंने एक लोकल मार्केट से बाय किए थे, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आई थिंक 500 के अराउंड होंगे ये वाले झुमके, बहुत खूबसूरत हैं। तो अब हम ड्रेस पहन के आते हैं और झुमके मैं एंड में पहनूंगी क्योंकि मेरे कानों में बहुत दर्द है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए ये एंड में पहनूंगी बस, ठीक है? तो जी फ्रेंड्स, तो ड्रेस मैंने वेयरअप कर लिया है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। तो अब हम अपना मेकअप शुरू करते हैं। इस बार के रमज़ान तो शुरू में बहुत अच्छे गुजरे, गर्मी ज़्यादा बिल्कुल नहीं थी, पर ईद में ऐसा नहीं होगा शायद, क्योंकि ईद में होगी गर्मी। तो इस वजह से हम थोड़ा सा लाइट मेकअप करेंगे और ऐसा मेकअप भी नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही लाइट हो, दिखे ही ना। तो ऐसा मेकअप करेंगे हम जो थोड़ा सा दिखे भी, अच्छा भी लगे और इतनी लेयर्स भी ना हो। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने मॉइस्चराइजर से। एज ऑलवेज जो मैं यूज़ करती हूँ, वही वाला आज भी यूज़ करूँगी। जी फ्रेंड्स, तो मॉइस्चराइजर हमारा ब्लेंड हो गया है और इस लुक को मैं थोड़ा फाउंडेशन की तरफ नहीं लेके जाऊँगी, कंसीलर से ही काम चलाऊंगी क्योंकि गर्मी होती है, फाउंडेशन आपका बह जाएगा और हमें ज़्यादा लेयर्स भी नहीं करनी है। कंसीलर से हम अपने डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेड एरियाज को कवर करेंगे। तो कंसीलर हमने ब्लेंड अप कर लिया है, आपको भी आज हम करेंगे लाइट से ब्राउन स्मोकी आईज। मैं अपना पैलेट ले लिया है, इसमें से पहले ब्राउन कलर का शेड हम अपने आउटर कॉर्नर पे लगाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो अब हम लगाएंगे अपनी आंखों में काजल या सुरमा, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं आंखों में थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। जी फ्रेंड्स, तो मैंने अपनी आईज़ का मेकअप कंप्लीट कर लिया है, मैंने अंदर काजल लगाकर और उसको थोड़ा सा स्मच कर लिया है इसी ब्रश से और थोड़ा सा ब्राउन कलर का शेड लेके उसको इस तरह से ब्लेंड अप कर लिया है और थोड़ा सा शिमर बीच में अप्लाई कर लिया है। जी फ्रेंड्स, तो अब आ रही है हमारी फेवरेट पार्ट की, जो है ब्लश। आज मैं कोई टेंट अप्लाई नहीं करूँगी, आज मैं अप्लाई करूँगी मेडोरा की लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा रीजनेबल मिल जाती है, आप सब लोग जानते हो मेडोरा की लिपस्टिक कितनी अच्छी होती है, फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा न्यूड सा ब्राउन कलर का शेड है। तो ये मैं अपने चीज़ पर अप्लाई करूँगी आज। यही वाला शेड हम अपने लिप्स में भी अप्लाई करेंगे क्योंकि इस स्मोकी आईज के साथ कभी भी रेड और पिंक कलर की लिप्स ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ये ब्रॉन्जी सी न्यूड सी लिप्स भी अच्छी लगती है, तो हम ये अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक कभी भी इस तरह से पूरी डार्क करके अप्लाई मत करा करें क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा डार्क लगती है। मैं हमेशा लिपस्टिक का इस तरह से लगा के उसको फिंगर से ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। जी फ्रेंड्स, तो मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है, अब मैं बनाती हूँ फिर अच्छे से हेयर स्टाइल
और मैं ईयर रिंग्स वेयर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो हमारा लुक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये वाला लुक पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वाली वीडियो पसंद आई होगी, ईद इंस्पिरेशन ईद स्टाइलिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर न्यू अमेजिंग वीडियोस एंड ब्लॉग्स। मिलते हैं किसी नए अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।